हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल अंजू जादन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए और मार्केट में किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, आप कहीं उनकी चीटिंग में ना फंस जाओ। तो मैं आ चुकी हूँ रॉयल खान मशीनरी पर। तो यहाँ मेरे साथ मैम है, तो ये आपको पूरे जो बिजनेस के बारे में गाइड करेंगे किस तरह से करना है, मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट को सेल करना है। और हाँ, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा 40 रुपए का प्रोडक्ट बन के तैयार होगा और जब आप मार्केट में सेल करने के लिए जाएंगे तो 100 से 120 रुपए तक आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, यानी मार्जिन भी बहुत अच्छा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैम, आप दोनों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैम बताइए, आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा बिजनेस लेकर आई है? और हाँ, बिजनेस बताने से पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैम, मेरा नाम श्वेता है। और मैम, आपका अपनी कंपनी का नाम? मेरी कंपनी का नाम रॉयल खान कंपनी है। ओके मैम। और हाँ मैम, जो आज बिजनेस आप बताएंगी उसमें जगह का कैसे क्या लगेगा, कितनी जगह लगेगी? तो दोस्तों, आज मैं जो आपको मशीन बताने वाली हूँ बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से और बहुत ही छोटी जगह से ये आपका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़ा ऑफिस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, घर के किसी भी कोने पे आप इसको स्टार्ट कर सकते। बाकी दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले जो मार्केट में फ्रॉड हो रहा है इसके अलावा आप बिजनेस कैसे करेंगे, किस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किस कंपनी से आप मटेरियल खरीद सकते हो, किस कंपनी से आप मशीन खरीद के अच्छे तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हो, मार्जिन कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, सबसे पहले मैं मैनुअल मशीन से स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि मैनुअल मशीन को लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और मैनुअल मशीन जो है काफ़ी चर्चा में है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मार्केट में आपने इस तरीके की मशीन काफ़ी देखी होगी और काफ़ी ज़्यादा ये मशीन चर्चा में है, हर शहर में, हर किसी के पास आपको बहुत आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के पास आपको ये मशीन मिलेगी। लेकिन आप उन लोगों से फीडबैक भी ले सकते हो कि जिन्होंने ये मशीन खरीदी है उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो ये जो मशीन है आपकी, ये चाइनीज़ मशीन है, कोई गारंटी कोई वारंटी इस मशीन पर नहीं होती है। आप देख सकते हो, एक तो कितनी छोटी मशीन है, ऊपर से ये मशीन जो है चाइनीज़ मॉडल की मशीन है। आपकी मशीन का जो वेट है सिर्फ 20 से 22 किलो मशीन का वेट है। ये जो आप इसकी प्लेट देख रहे हो ये टीन के चदरे की प्लेट बनी हुई है। अभी मैं आपको आवाज़ भी करके दिखाऊंगी कि अंदर से ये पूरी खोखली है और किस तरीके से ये आपकी आवाज़ कर रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मशीन आपकी खोखली है और इसमें पूरा साउंड आ रहा है आपका। तो सिर्फ ये टीन के चदरों की मशीन बनी हुई है। बाकी प्रेशर की बात करूँ तो आप जब इस मशीन को प्रेस करोगे तो ये मशीन आपकी यहाँ पर लॉक हो जाती है। जब मशीन आपकी लॉक हो जाती है तो इसमें प्रेशर आपका नहीं पड़ पाता और आपका जो पैकिंग होता है वो पैकिंग अगर उस टाइम हो भी गई तो 2 से 3 दिन में वो पैकिंग आपके निकलने लगते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपकी मशीन यहाँ पे लॉक हो रही है तो इसमें प्रेशर नहीं पड़ रहा। और ये जो आपका बिजनेस होने वाला है, ये इसमें जो मेन आपका वर्क है वो प्रेशर है। आपकी जो प्लेट है उसकी थिकनेस है, मेन आपका काम जो करेगी वो आपका प्लेट काम करेगी कि मशीन की प्लेट कितनी हैवी है। तो ये मशीन जो है आपकी वेस्ट ऑफ मनी होती है। मार्केट में लोग इसको बहुत बेचते हैं, कहते हैं कि आपकी ये मशीन आपकी किसी काम की नहीं है, नहीं ये नई मॉडल की मशीन है, काफ़ी अच्छा चलेगी ये मशीन। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं, जिस मशीन का वेट ही इतना कम हो, 20 से 22 किलो मशीन का वेट हो, वो आपका क्या काम करेगी और किस तरीके से आपका पेस्टिंग करेगी। अगर आप पैकिंग कर भी लेते हैं तो 3 से 4 दिन में आपकी पैकिंग निकलने लगती है और जब आप मार्केट में उसको सेल करने के लिए लेके जाते हैं और दुकानदार जब उसकी क्वालिटी देखता है तो वहाँ पे सिर्फ आपका बिज़नेस ख़राब नहीं होता, आपकी इज्जत भी वहाँ पे उतरती है और आपका बिज़नेस पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। आपने जो 15 से 20 हज़ार रुपये लगाए होते हैं वो भी आपके वेस्ट होते हैं। तो इसके सजेशन में मैम आप दूसरी मशीन बताइए। सॉरी मैम, इसके सजेशन में मैं आपको अपनी जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है वो वाली कंपनी मशीन सजेस्ट करना चाहूँगी। आप इस साइड मेरे देख सकते हैं, इस साइड आपको जो भी मशीनें दिख रही है सारी आपकी मेड इन इंडिया है, जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इन मशीन में आप देख सकते हो जितना प्रेशर लगाना चाहो उतना प्रेशर आप इस मशीन से लगा सकते हो। टाइमिंग चल जाती है, आपको डिजिटल पैनल मिलता है, 3 सेकंड में आपका बजर बज जाता है। इस मशीन की आप प्लेट देखो, प्लेट आपको कितनी हैवी प्लेट मिलेगी। देन सबसे अच्छी बात, इस मशीन हमारी जो भी इंडियन मशीन है उन मशीनों की जो प्लेट होती है आपको सल्फिस ग्राइंड करके मिलती है। सल्फिस ग्राइंड का मैं मतलब बताऊँ, अगर मशीन बनती है लोहा, लोहे पे जब हथौड़ा पड़ता है तो लोहा ब्लेंड हो जाता है, जब तक उसे हम समतल नहीं कराएंगे ना तो ब्लिस्टर कहीं से चिपकेगा कहीं से छूटेगा। तो वो स्पेशली सबसे अच्छी खास बात आपको हमारी हर मशीनों में मिलेगी, हमारी मशीनों की जो प्लेट है सल्फिस ग्राइंड होगी। देन इस मशीनों का आप देख सकते हो, ये सारी मशीन हमारी मेड इन इंडिया है। मैं जैसा कि मैम ने आपको बताया कि इसके साथ फ्रॉड आपका इस मशीन को लेके किया जाता है, तो इस मशीन को ना लेके मैं आपको ये वाली मशीनें सजेस्ट करती हूँ।
ये मशीनें लीजिए, देखने में भले ही पुरानी हो लेकिन ये मशीन आपकी चलती है। आप कोई खिलौना लेके स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप वो मशीन लेके स्टार्ट करो जिसका आपका एक्चुअली बिजनेस चले। तो इस मशीन में लाइट वगैरह का कैसे क्या खर्चा आएगा? मैम ये जो मशीन है आपकी नॉर्मल घर के मीटर पे चलती है, कोई हैवी अलग से मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। आपका 2 घंटे पर यूनिट पे आपकी ये मशीन वर्क करेगी। और दिन भर में कितना प्रोडक्शन हो जाता है इस मशीन से? मैम मैं आपको बेसिक बताऊं, देखो आपका मेन इसमें आपकी 3 सेकंड में आपकी पेस्टिंग हो जाएगी इस मशीन से। अब आपका डिपेंड करता है आप इसमें स्क्रबर ब्लिस्टर कितनी देर में भर रहे हो। बाकी मैं आपको नॉर्मली प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूँ तो 1 घंटे में 300 से 350 पत्ते आपके बना के रेडी कर देगी। तो इसमें प्रॉफिट कैसे क्या रहेगा? मैम प्रॉफिट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका इसमें जो स्क्रबर का मैं आपको पहले स्क्रबर की बता देती हूँ, आप इसमें काफी तरह की ब्लिस्टर पैकिंग कर सकते हो। स्क्रबर, मसाला, ड्राई फ्रूट, टॉयज, टूथब्रश, जो भी आइटम आप ब्लिस्टर पैकिंग करना चाहते हो सब इस मशीन से होगा आपका, एक ही मशीन से। स्क्रबर के मार्जिन की बात करूँ तो आपका जो स्क्रबर तैयार होगा 40 रुपीज में आपको खुद को तैयार करके पड़ेगा, और मार्केट में आप उसे एज अ होलसेल की मैं बात करूँ तो बड़ी आसानी से आप 15 से 20 का मार्जिन होलसेल पे करवा सकते हो, और रिटेलर पे भी आपको उसका डबल का मार्जिन। मेन इसमें जो MRP है लोग अपने अकॉर्डिंग 10 रुपए 15 रुपए अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने MRP प्रिंट करवा के काफी अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। जैसे इस मशीन को कोई लगाता है तो मंथली कितना कमा सकता है वैसे? मैम इस मशीन को लगा के अगर मैं दिन का आपको बोलूँ, आप ना करके दिन के 100 पत्ते भी भेज देते हो तो आप 2000 रुपये बड़ी आसानी से दिन का कमा लोगे। उस अकॉर्डिंग आप इसमें मंथली कैलकुलेट कर सकते हो, आपका 1 महीने के अंदर अंदर ही मशीन का पूरा चार्ज आपका जो इसमें आप लगाओगे इन्वेस्टमेंट वो आपकी वसूल हो जाएगी। और मशीन की क्वालिटी की बात करूँ तो आपको अलग अलग मॉडल मिल जाएंगे, आपको मैनुअल लेना हो मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक आप पीछे देख सकते हो ऑटोमेटिक में भी अलग अलग क्वालिटी आपको हमारे पास से मिलने वाली। तो ये बिजनेस एक ही मशीन से स्टार्ट होगा कि इसके साथ में और भी कोई मशीन लगानी पड़ेगी? नहीं मैम, मेन आपकी एक ही मशीन है जो आपकी हर तरह की ब्लिस्टर पैकिंग करेगी, जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट गिनवाए, स्क्रबर, मसाला, ड्राई फ्रूट, टॉयज, टूथब्रश, मतलब ये सारी चीजें एक ही मशीन में लग जाएगी। जो भी आइटम आप ब्लिस्टर पैकिंग करना चाहते हो चाहे यानी बस क्यों ना डाई वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। अब ये जो मेन आप ये डाई देख रहे हो ये आपकी चेंज होगी, बाकी मशीन आपकी एक ही वर्क करेगी, चाहे आप ये वाली नीचे वाली मशीन लेके स्टार्ट करो ये वाली, मतलब ऑटोमेटिक एनी मशीन कोई भी लो। तो डाई कहाँ से मिलेंगी व्यूअर्स को? सारी जो रॉ मटेरियल है आपको लाइफ टाइम हमारे पास से मिलेगा, मशीनों के साथ साथ रॉ मटेरियल में भी मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके मैम, तो इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी इस मशीन की? हमारे पास जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है 25,000 से मशीन का प्राइस स्टार्ट है। मैम आप बताइए, आपने जैसे इस मशीन के बारे में बताया है कि इसमें फ्रॉड हो रहा है, तो किस तरह से फ्रॉड हो रहा है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि आपको 10,000-15,000 की मशीन अच्छी बता के किस तरीके से आपको चाइनीज मशीन बेची जाती है। अभी हमने आपको ये भी बताया कि आप इस मशीन को ना खरीद के अगर आपका बजट कम है तो आप मैनुअल मशीन लेके स्टार्ट कर सकते हो। मैनुअल मशीन का जो स्टार्टिंग प्राइस है हमारे यहाँ पर 25,000 से है। 25,000 काफ़ी वैरायटी की मशीन आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर फिर भी इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आप हमसे ये मशीनें परचेज करना चाहोगे तो हमारे पास आपको ये मशीनें भी मिल जाएगी, लेकिन हमारा मोटिव यही है इन मशीनों को रखने का कि हम आपसे कंपैरिजन कर सकें। इसके अलावा मार्केट में एक और जो फ्रॉड चल रहा है आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉड ऑटोमेटिक मशीन को लेकर चल रहा है। मैनुअल मशीन कोई खरीदना नहीं चाहता, वो ये सोचते हैं कि हमारा काम नहीं होगा या प्रोडक्शन कम उसमें होगी प्रोडक्शन कम होगी या और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कस्टमर ये सोच के 20,000-25,000 की ऑटोमेटिक मशीन के पीछे भागता है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आपको ऑटोमेटिक मशीन कोई 20,000-25,000 में कैसे प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये जैसे आप फ्रॉड बता रही हैं तो इस मशीन की कॉस्टिंग क्या है, ज्यादा सस्ती मिल रही है क्या? तो दोस्तों ये जो आपकी मशीन है ये मशीन आपको मार्केट में 25,000-26,000-27,000 की मिलेगी, लेकिन हमारी कंपनी में जो ये मशीन है आपको सिर्फ 8,000-10,000-15,000 की आपको ये मशीन मिलने वाली है। बिल्कुल आधे रेट पे आपको मशीन मिलने वाली है, मशीन का जो प्राइस है उसी प्राइस पे आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो में कुछ बता रहे हैं या और आपके यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ दे। तो मैम ऑटोमेटिक जो मशीन है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 25,000-20,000 में कोई ऑटोमेटिक मशीन कंपनियां प्रोवाइड कर रही है, तो वो कैसे प्रोवाइड कर रही है मैं ये चीज़ें आपको अच्छे से खुल के बताना चाहूंगी। आप इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक काफी मशीनें रखी हुई है, यहाँ पे भी रखी हुई है और सामने भी, वहाँ पे आप पीछे की तरफ देख सकते हैं आपकी 2 मॉडल की ऑटोमेटिक मशीनें रखी हुई है। तो आप अगर इन मशीनों को देखें तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इन मशीनों का वेट आपका कितना ज्यादा होने वाला है। अगर आप मिनिमम सबसे छोटी भी ऑटोमेटिक मशीन लेने जाएंगे तो वो आपका जो वेट होगा मशीन का, मिनिमम वेट जो होगा आपका मशीन का 200 किलो मशीन का वेट होना ही होना चाहिए ऑटोमेटिक मशीन का। तो अभी जो लोहे का रेट चल रहा है 80-90-100 रुपये किलो आपका लोहे का रेट चल रहा है, अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि आपका 100 रुपये किलो लोहा चल रहा है और 100 रुपये किलो आपका लोहा चल रहा है और आपका 200 किलो लोहा इसमें लगने वाला है, तो आप खुद कैलकुलेशन करिए 20,000 को तो आपका सिर्फ लोहा ही लोहा लगेगा इस मशीन में। तो आपको कंपनी 20,000 में मशीन कैसे प्रोवाइड कर रही है आप खुद सोचो।
आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन में आपका ये डिजिटल पैनल लगा हुआ है। इसके अलावा कंप्रेशर मशीन में होता है, कंप्रेशर भी यूज होता है इस मशीन में। इसके अलावा मशीन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर लगती है, सिलेंडर लगता है, डिजिटल पैनल लगता है, प्लस मशीन के आप जो ये प्लेट है, प्लेट की थिकनेस देखो, थिकनेस आपकी कितनी अच्छी है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि दो आपका 20,000 का आपका लोहा आ रहा है। इसके अलावा अगर आप अच्छा मोटर लेने जाए, गोदरेज कंपनी का या फिर किसी भी कंपनी का आप अगर मोटर लेने जाए, वो मोटर ही आपका 12,000 से 13,000 का आता है। तो आप खुद कैलकुलेशन करिए कि आपकी ऑटोमेटिक मशीन कितने तक की आनी चाहिए। अगर कोई कंपनी आपको ऑटोमेटिक मशीन 20,000-25,000 में दे रही है, तो आप खुद ही सोचिए कि इसमें कितना पैसा लगेगा कंपनी का। तो कंपनी अपनी जेब से तो नहीं देगी ना, वो सेकेंड हैंड मशीन को या फिर मशीन के पार्ट्स जो है लोकल पार्ट्स लगा के, मशीन में मशीन की प्लेट जो है चाइनीज़ मशीन की प्लेट बना के, कुछ इस तरीके से टीन के चदरे की प्लेट वगैरह लगा के आपको सेकेंड हैंड मशीन पेंट करके पकड़ा देते हैं, और वहाँ पे ये बोलते हैं कि 20,000-25,000 की ये मशीन है। तो जब भी आप ऑटोमेटिक मशीन खरीदें, आप उसकी क्वालिटी देखिए कि प्लेट की क्वालिटी क्या है, मोटर जो है आपको कौन सी कंपनी का है, और आप एक बार डेमो भी करके देखिए कि आपका पेस्टिंग कैसा कर रही है, काम आपका कैसे कर रही है मशीन। तो जैसे कि मैम अभी आपने बताया इस मशीन के बारे में कि बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो आपके इस मशीन का प्राइस क्या होने वाला है? तो दोस्तों, अगर आप हमसे ऑटोमेटिक मशीन परचेज करना चाहते हैं, तो मात्र आपको 45,000 से हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन मिलने वाली है। अलग अलग मॉडल आपको मिल जाएंगे, जैसे आपका 45,000 की भी मशीन है, 55,000 की भी है, 65,000 की भी है, तो आपको काफी सारे मॉडल हमारे पास मिलने वाले हैं। ये वाले जो मॉडल है, ये इनकी प्राइस क्या है? ये जो आपका मशीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मात्र आपकी 55,000 की मशीन होने वाली है। मशीन पे आपको वारंटी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ दो मशीनें हैं, अब इन दोनों का डेमो देखेंगे कि कौन सी मशीन किस तरह से वर्क करती है। तो मैम इसका डेमो दिखाइए। तो दोस्तों, हमने ये दोनों मशीनें हीट कर लिया, आप देख सकते हैं कि अभी हम आपको दोनों मशीन में डेमो करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपका चाइनीज मशीन काम करती है। इसके अलावा ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चर हुई मशीन आपकी किस तरीके से काम करती है, कंपैरिजन आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से डाई डालनी है। इसके अलावा मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से ये मशीन लॉक हो जाती है और किस तरीके से आपका तैयार होता है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस मशीन को प्रेस कर दिया, ये मशीन आपकी यहाँ पे लॉक हो गई है। टाइमिंग देख सकते हो, यहाँ पे आपका 10 सेकंड का टाइम सेट था, अभी आपकी टाइमिंग चल रही है। ये आपका जीरो होते ही मैं इसको तैयार, ये आपकी शीट तैयार हो गई है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपकी ये शीट तैयार हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका हर स्क्रबर के बॉक्स में आपका ये रिंकल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइडों में रिंकल आ रहा है। इसके अलावा इसकी पेस्टिंग की बात करो, तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये आपकी पेस्टिंग निकल रही है, आपकी ये शीट की जो पेस्टिंग है, ये आपकी ऐसे निकल रही है। अगर आपकी अभी इस टाइम पेस्टिंग हो भी जाती है, तो 2 से 3 दिन में ये आपकी पेस्टिंग निकलने लगती है। तो ये आपका यहाँ पे ना आपका लैमिनेशन निकल रहा है, ना कुछ निकल रहा है, ये कटोरी आपकी अलग से ही निकल रही है। आप ये देख सकते हैं, कटोरी ही आपकी निकल रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप इस तरीके का प्रोडक्ट तैयार करके लेके जाते हैं, तो आपका किस तरीके से आपका इंप्रेशन पड़ता है और किस तरीके से आपका बिजनेस ख़राब होता है। इसी के बाद अब मैं आपको इंडियन मॉडल का डेमो करके दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से मशीन काम कर रही है। तो दोस्तों, ये जो अभी आप सामने देख रहे हो, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, इंडियन मॉडल है। मशीन का मैं आपको डेमो दिखाऊंगी, जैसा कि अभी आपने मैम ने आपको वो वाली मशीन का डेमो दिखाया, तो इस मशीन का भी आपका सेम प्रोसेस है। आपको डाई रखनी है, डाई में आपका ये ब्लिस्टर होगा, देन ब्लिस्टर के ऊपर आपको इस स्क्रबर को फैला के इस तरीके से फिल करना है। तो दोस्तों, अब देखो, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से शीट रख दी है, डेमो मैं आपको दिखा देती हूँ डेमो किस तरीके से होगा। सिंपली आपको इस तरीके से इसे अंदर करना है। आप जैसे ही प्रेस करोगे, जितना प्रेशर आप इस मशीन पर देना चाहो उतना प्रेशर दे सकते हो। 3 सेकंड आपके लगे हैं, 3 सेकंड में आपका बजर बज गया है, पेस्टिंग आपकी ओनली यहाँ पे 3 सेकंड में हुई है। आपको ऊपर से बस थोड़ा सा हल्का सा आपको इस तरीके से रब करना है, और आप 3 सेकंड में आप पेस्टिंग देख सकते हो, पेस्टिंग कितनी जबरदस्त हुई है मात्र 3 सेकंड में। पेस्टिंग की बात करूँ तो आप ये देखो, कितना भी हिला लो, ये पत्ता आपका नहीं उखड़ने वाला है, चाहे इसके आप जितने मर्जी आप खींच के देख लो, ये आपका पत्ता नहीं उखड़ने वाला है। देन आपको मैं पास से आपको दिखाना चाहूंगी, सबसे अच्छी बात हमारी जो मशीन है, एक भी रिंकल नहीं आया, आप हर ब्लिस्टर चेक कर सकते हो। देन कंपैरिजन में वो दूसरा पत्ता मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो इस मशीन से आपकी हुई है, इसकी कंपैरिजन और इसकी कंपैरिजन आप देख सकते हो, इसकी पेस्टिंग क्या हुई है और इस मशीन की आपकी पेस्टिंग की क्या रिजल्ट आया। झूला भी ये निकल के गिर रहा है, और ये आपका ब्लिस्टर, ऐसा नहीं है कि ब्लिस्टर आपका ये जो है लैमिनेशन लेके छूटा है, ब्लिस्टर जो है ये आपका बिना लैमिनेशन के छूटा है। इसमें देखिए लैमिनेशन भी नहीं छूटी है और इसमें पन्नी भी नहीं छूटा है, ये ब्लिस्टर आपका बिल्कुल क्लियर है। तो इस मशीन में प्रेशर ना होने की वजह से ही ये आपका
सीधे के सीधे आपकी कटोरी निकल गई है, ऐसा नहीं है कि आपका ये आपका पूरा लैमिनेशन लेके छूटा हो या कुछ, ये आपकी पूरी कटोरी निकल गई है और ये पत्ता आपका वेस्ट हो गया है। अगर मार्केट में लेके जाते हो तो ऐसे ही आपकी इज्जत भी खराब होती है और आपका बिजनेस भी खराब होता है। और अगर ये लेके जाते हो तो आपकी मार्केट बहुत अच्छी बनेगी और आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो मैम, जैसे कोई गरीब है जिसके पास पैसा कम है, तो उसके लिए आप क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? उसके लिए हमारी कंपनी आपको ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि आप मेरे इस साइड ये ऑटोमेटिक मशीन आप देख पा रहे हो, ये ऑटोमेटिक मशीन आपको हमारी कंपनी से मिलने वाली है ईएमआई पे, वो भी 0% इंटरेस्ट पे, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। आप ऑटोमेटिक मशीन ईएमआई पे लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन इस मशीनों की सर्विस की मैं बात करूँ तो सर्विस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वारंटी आपको हमारी हर मशीन पे मिलने वाली है। कोई भी दिक्कत आएगी टेक्नीशियन आपके घर पे जाएंगे, सर्विस देके जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होने वाली है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात मैं आपको अपनी कंपनी की बता दूँ, जिन लोगों के पास ऑलरेडी मशीन है, मशीन लेके जो कस्टमर फंस चुके हैं, वो भी अपनी मशीनों की सर्विस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका थोड़ा बहुत चार्जेस होगा, उन मशीनों पे भी हमारी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो मैम, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा व्यूअर्स को? मैम, इसका जो सारा जो आप रॉ मटेरियल देख रहे हो, आपका ब्लिस्टर हो गया, अंडर का स्क्रबर हो गया, शीट हो गया, सारा रॉ मटेरियल आपको हमारे पास से मिलेगा। उसका भी मैं एक बार पूरा स्टॉक दिखा देती हूँ। और जिन लोगों के पास रॉ मटेरियल की कमी है, मतलब रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल पा रहा है, रॉ मटेरियल के लिए आपको नीड है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए। चाहे आपने मशीन ऑलरेडी ले रखी हो तो भी हमारी कंपनी उन कस्टमर्स को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी। तो मैं आपको अब अपना गोडाउन दिखाती हूँ और रॉ मटेरियल का स्टॉक दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, देखो कितने सारे डिजिटल पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा आप देखो, सिंगल सिंगल शीट्स, अगर आपको सिंगल सिंगल बॉक्स में अगर आपको पैकिंग करनी हो तो सिंगल सिंगल आपको मिल जाएगी। आपको इस तरीके से देखो, अलग अलग डिजाइन में आपको शीट्स मिलेगी, बॉक्स में आपको लेना हो बॉक्स में, और इस तरीके से आपको 250 ग्राम 200 ग्राम की किशमिश वगैरह आपको पैक करना है, ये भी सारा रॉ मटेरियल आपको हमारे पास से मिलेगा। इनके अलग अलग साइज के आपके ब्लिस्टर है, अलग अलग आपके पीसी क्वालिटी, सेमी फ्रेश क्वालिटी, सारा ब्लिस्टर आपको मिलेगा। आप इस साइड देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा शीट का स्टॉक मिलेगा, अलग अलग नाम से शीट आपको अवेलेबल मिलेगी। अगर अपने नाम से प्रिंट कराना हो, आपके अपने नाम से शीट प्रिंट हो जाएगी, कंपनी के नाम से लेके स्टार्ट करना चाहो कंपनी के नाम से मिल जाएगी। 12 पीस हो आपकी, 6 पीस की शीट हो, स्क्रबर की हो, मसाले की हो, टूथब्रश, सारा रॉ मटेरियल मिलेगा। आप इस साइड देख सकते हो, सारा ब्लिस्टर का स्टॉक होने वाला है, सारा आपको ब्लिस्टर मिलेगा। देन आप इस साइड आओगे तो आपको यहाँ पे स्क्रबर मिल जाएगा, स्क्रबर आपको जितने ग्राम का स्क्रबर चाहिए सारा स्क्रबर आपको, ये आपका जो स्क्रबर है, या आप बॉक्सेस पे बॉक्सेस देख सकते हो, सारा रॉ मटेरियल आपको लाइफ टाइम हमारे पास से मिलेगा। हमारा मशीनों के साथ साथ प्रॉपरली रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चर यूनिट है। आप ऊपर भी स्टॉक की बात करो तो ऊपर भी देख सकते हो। दोस्तों, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ओनली अपना नीचे का गोडाउन दिखा रही हूँ, इसके ऊपर हमारा एक और गोडाउन है, वहाँ से इससे डबल रॉ मटेरियल का स्टॉक अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये हमारा ऊपर का गोडाउन है, यहाँ पे भी आप रॉ मटेरियल का स्टॉक देख सकते हो। ये आपकी शीटें हैं, इसका आपकी मसाला ड्राई फ्रूट की शीटें, यहाँ पे आप डाइया देख सकते हो, अलग अलग तरह की आपको डाइया मिलेगी, लाइक आपकी स्क्रबर की, मसाले की, आपकी टूथब्रश की डाई हो गई, सिंगल सिंगल लेनी हो, अलग से कोई डाई बनवानी हो वो भी बन जाएगी। आप इस साइड देख सकते हैं, ये आपका पीपी स्क्रबर का स्टॉक होने वाला है। ये आपको हमारे पास एडिशनल प्रोडक्ट मिलेंगे जो आपको रेडी में भी मिलेंगे, इसमें भी आप एडिशनल प्रोडक्ट अपने साथ लेके अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, इसकी भी मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है। देन आप इस साइड आते हो तो ये सारा आपका फोम पैड का स्टॉक है, आपको लाइक इस तरीके का फोम पैड आपको मिलेगा। आप पैकेट में लेना चाहो पैकेट में ले सकते हो, आप पूरा स्टॉक देख सकते हो, सब बॉक्सेस में आपके फोम पैड है। लड़ी में लेना चाहो लड़ी में मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप देखो पूरी क्वांटिटी, यहाँ पे आपको ये आपके एडिशनल प्रोडक्ट की आपको मिलने वाली है। और इस साइड आप आते हो तो यहाँ पे आपको ब्लिस्टर मिलेंगे, लाइक आपको अलग अलग चीज की पैकिंग करनी है, 2-in-1 हो गया, आपको सिंगल सिंगल करनी है, 250 ग्राम की करनी है, 100 ग्राम की करनी है, वो सारे ब्लिस्टर आपको यहाँ से मिलेंगे। देन आप इस साइड आते हो तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके का ग्रीन कलर, ये भी आपको हमारे पास रेडी टू स्टॉक मिलेगा। ये आपका 2-in-1 वाला जो आपका फोम पैड होता है, ऊपर से स्क्रबर होता है, ये भी सारा रेडी प्रोडक्ट आपको हमारे पास से मिलने वाला है। तो एट द मोमेंट गाइस, वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो डाउट है आपके क्लियर हो गए होंगे। और कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए हमने कंपनी का कांटेक्ट नंबर और एड्रेस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से क्लिक करके आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया, हैव अ नाइस डे।